बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। सम्मानीय साथियों, आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग जानते हैं, जिन्होंने हमें इस देश का संविधान दिया। लेकिन एक ऐसी भी हस्ती है जिन्होंने जल जंगल जमीन के लिए और इस जमीन के नीचे छुपी खनिज संपदा के लिए खुलकर लड़ाई लड़ा, वो है धरती आबा बिरसा मुंडा। आप ही की तरह हमारी तरह वो थे, कोई बड़े शिक्षित नहीं थे, साधारण धोती पहन के गांव में पैदा हुआ एक कम उम्र का युवा अपने क्षेत्र की जनता के लिए और उस क्षेत्र में हो रहे अन्य अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की एक शुरुआत करी थी। ये हमारे लिए एक क्रांति का विषय रहेगा और ये इस बारे में जान के हमारे अंदर एक उत्साह जागेगा। तो आज मेरे समक्ष उपस्थित कोयला खदान धनकसा, कोयला खदान नहरिया जमुनिया और उर्धन और माथनी कोयला खदान के सभी ठेका मजदूर भाइयों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आज जिस महापुरुष की हम जयंती के रूप में आज चर्चा कर रहे हैं बिरसा मुंडा, हमें उनको अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में लेना है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम किसी लड़ाई की हम शुरुआत करते हैं, कई सारे दबाव और कई सारी धमकी के कारण हम उस लड़ाई को छोड़ देते हैं। लेकिन याद करिए, एक गांव का व्यक्ति बिरसा मुंडा जब अपनी लड़ाई को लड़ते हुए अंग्रेजों के जब छक्के छुड़ा सकता है और अपने क्षेत्र के लोगों की एक आवाज बन सकता है और मरने के बाद जिसे सभी लोग भगवान का दर्जा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचने और चिंतन का विषय है कि हमारी लड़ाई तो बहुत छोटी है। हम एक कोयला खदान से कोयला निकालते हैं और हम सही मजदूरी और हमारे साथ किसी भी तरीके की दुर्घटना हो उसमें हम जो भी हमारा रोजमदारी बनना चाहिए इस तरीके की हमारी मांगे हैं और जो बोनस हमें चाहिए इस तरीके की हमारी मांगे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें कोई बीच में निकाल के कोई भगाए ना, कोई रोके ना। तो इस तरीके की हमारी जो डिमांड है ये कोई बड़ी डिमांड नहीं है, ये हम लड़के हासिल कर सकते हैं। बस आप सभी लोगों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि अपनी जगह में निडरता से आप जो है खड़े रहें। आने वाले समय में अगर ये मजदूर ठेका संघ या ठेका मजदूर जो संघ, ये ट्रेड यूनियन बनेगा, जो संगठन बनेगा, हो सकता है उसको तोड़ने के लिए और भी संगठन आपको पैसे दे, उससे निकाल कर आपको बोले कि इसमें इन लोगों ये ऐसा है वो वैसा है, ऐसे एक दूसरे के खिलाफ बढ़का है। इन सारे षड्यंत्रों को सहन करके हम आगे बढ़ेंगे और अपने जो उद्देश्य है, जो अपन ने आज विचार विमर्श करें, इसमें हम सफल होंगे, ऐसे आशा और उम्मीद आपके साथ है। तो हमारे साथ बोलिए, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। लड़ेंगे, 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 जीतेंगे। बिल्कुल, हम लड़ेंगे और जीतेंगे और अपनी जो मांग है उसका पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को जिंदाबाद।